नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। इससे पहले के क्लास में मैंने आपको कक्षा अष्टम के प्रथम पाठ जयगाम से संबंधित विषय वस्तु के बारे में मैंने विस्तृत जिक्र किया था। आज मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बाद चार नंबर सौ प्रसंग व्याख्या की। तो सबसे पहले बच्चों इस बात पर गौर करना है कि सौ प्रसंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। प्रसंग शब्द का अर्थ होता है किसी के बारे में या कहने के लिए वह क्या चाह रहा है, और व्याख्या शब्द का अर्थ होता है व्याख्यान करना, बोलना, प्रकट करना। तो सौ प्रसंग व्याख्या कीजिए। कौ नंबर द्वेद दुख का अंत होगा, अवनो त्रास दुरंत होगा, आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। यारे बच्चों प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक कक्षा आठ के जयगान कविता से ली गई। इसमें कवि ने देश के वास्तव दुश्मनों एवं देश के गद्दारों का अंत कर, भय का माहौल समाप्त कर, विजय के निशान के तौर पर राष्ट्र ध्वज को फहराना चाहता है। अब मैं ख नंबर को पढ़ने जा रहा हूँ। बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन, हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। प्यारे बच्चों मैं अब इसके बारे में विस्तृत आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विद्या भवन यानी विद्यालयों को मंदिर से ही ज्यादा पवित्र तथा इसमें पढ़ने वाले छात्रों को प्राचीन भारत की कला साहित्य के साथ साथ उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान कर विश्व गुरु बनाने की प्रेरणा देता है। अब मैं आप लोगों को भाषा बोधन का कार्य कराने जा रहा हूं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। छात्रों पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थक। समान मीन्स बराबर, अर्थक माने अर्थ का बोध, अर्थ का ज्ञान होने वाला। तो पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी उसी भाषा में कहते हैं। तो इसमें पहला है वसुंधरा। वसुंधरा का हो जाएगा धरा भू। पर्वत का हो जाएगा गिरी शैल। नदी का हो जाएगा सरिता तटिनी। अमृत का हो जाएगा सुधा पीयूष। संसार का हो जाएगा जगत लोक दुनिया प्रपंच। नदी का हो जाए। अब मैं आप लोगों के सामने निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छाट कर लिखिए। इसको मैं बताने जा रहा हूँ। पुल्लिंग शब्द में सागर, अमृत, वन, पर्वत, देश, भवन, दुख। स्त्रीलिंग शब्द में वसुंधरा, नदियाँ, गति, विद्या, कविताएँ। अब मैं आप लोगों के सामने प्रश्न तीन निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक अलग कीजिए, इसके बारे में विस्तृत बताने जा रहा हूँ। हिमवान। हिमवान शब्द में वान प्रत्यय है। गुणगान शब्द में गान है। पश्चिमी में इम है। ध्वनित में इत है। शिखिर में इर है। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को, ये हिंदी प्रत्यय से संबंधित बात है। हो सकता है इसमें यदि कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो जब आप लोगों का यहाँ क्लास चलेगा उसमें फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत ज्ञान कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।